नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन में। दोस्तों, बात करने वाले एफसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फाइनली मैंने कल की एनालिसिस में ये बता दिया था कि कल शेयर में बड़ी उछाल आप लोगों को देखने को मिलने वाली, रिटर्न्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलने वाली है। वो भी आज दोस्तों एक बार फिर से चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, और क्वार्टर फोर को लेकर क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है दोस्तों, वो भी यहाँ पर रिवील करने वाले हैं। और एक्सपर्ट की क्या राय देखने को मिल रही है, और क्या कंपनी का आगे का फंडामेंटल जारी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल टाइम दोस्तों शेयर की अगर आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों फिलहाल टाइम ओपनिंग जो देखने को मिली थी वो पिछले वाली प्राइस ₹2.10 के साथ ही ओपनिंग नजर आई थी। पर उसके साथ साथ हाईएस्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो दोस्तों ₹2.25 तक शेयर का आज अच्छा खासा उछाल यहाँ पे देखने को मिला, और गिरावट की अगर बात की जाए तो ₹2.05 तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि गिरावट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखने को मिली थी, पर शेयर में रिकवरी जो थी दोस्तों वापस से हो चुकी थी, और अच्छा खासा फंडामेंटल में सुधार यहाँ पे देखने को मिला। पर उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो 0.5% की जो रिटर्न में उछाल यहाँ पे देखने को मिली, और 10 पैसे का जो थे शेयर में तेजी है जिसकी टाइम बनती हुई नजर आई। फिलहाल टाइम दोस्तों 5 दिन का जो फंडामेंटल भी रहने वाला है वो भी यहाँ पे यही देखने को मिलने वाला। आज का इंट्राडे का जो फंडामेंटल नजर आया वो भी यहाँ पे वही यहाँ पे देखने को सेम रहेगा। पर उसी के साथ साथ अगर पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो दोस्तों उसमें जो गिरावट नजर आ रही है वो 5 पैसे की गिरावट नजर आ रही है, और 2.22% की रिटर्न में जो बड़ी गिरावट देखने के बजाय दोस्तों अब वापस रिकवरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो शेयर की जो प्राइस थी ₹2.10 पर काफी लॉन्ग टाइम के लिए ट्रन करती हुई नजर आ रही थी, और फंडामेंटल काफी ज्यादा वीक ऑलरेडी हो चुका था। पर अभी यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर फोर का जो डाटा है वो भी यहाँ पे जल्दी नजर आएगा। पर उसी के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी दोस्तों लास्ट टाइम इस वीक के अंत तक दोस्तों कंपनी जो डेट है क्वार्टर फोर की वो साइज से रिवील कर दे। फिलहाल टाइम दोस्तों सीईओ की तरफ से कोई अभी टाइम जो है कोई अपडेट यहाँ पे नहीं दी जा रही। जैसे ही कंपनी दोस्तों सीईओ अपडेट यहाँ पे देगा, जो भी नोटिस यहाँ पे जारी करेगा, तो उसमें जो डेट है वो फाइनल हो जाएगी। कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग अभी होनी बाकी चल रही है वो साइज से जब जैसे यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है तो फंडामेंटल रिलीज यहाँ पे कर दिया जाएगा। फिलहाल टाइम कंपनी का जो फंडामेंटल दोस्तों जब तक लॉन्ग टाइम जितना अगर टाइम खींचता है दोस्तों उसको खींचने की आवश्यकता नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो डाटा उस लॉन्ग टाइम के लिए रिकवर होता हुआ नजर आएगा। जब तक दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मई की अगर बात की जाए तो 10 मई तक अगर कंपनी डाटा रिवील करती है तो शेयर की जो प्राइस रहने वाली है वो अनुमानित अगर प्राइस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो दोस्तों ₹2.35 तक की शेयर की प्राइस में उछाल यहाँ पर नजर आने वाला है, और फंडामेंटल में दोस्तों बड़ा सुधार यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने पिछले टाइम जो मार्केट कैप हमने वॉच किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर देखने को मिला था। 360 करोड़ का जो मार्केट कैप था वो ऑलरेडी देखने को मिला था। अगर उसके साथ साथ अगर आज का मार्केट कैप यहाँ पर देखा जाए तो 376.32 करोड़ का जो है मार्केट कैप आज सुधार पर नजर आ रहा है। तो बड़ा मार्केट कैप में दोस्तों आंतरिक और बाहरी फंडामेंटल दोनों में आज रिकवरी ऑलरेडी देखने को मिला, तो दोस्तों बड़ा जम पाने की उम्मीद जो है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। और कंपनी का क्वार्टर फोर का डाटा जो भी दोस्तों जल्दी ही रिवील होने वाला है। एक्सपर्ट की राय का अगर टारगेट की अगर मैं बात करना था तो दोस्तों टारगेट जो देखने को मिल रहा है वो ₹2.45 के आसपास नजर आ रहा है। फिलहाल टाइम अपना टारगेट भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। फिलहाल टाइम दोस्तों बेसिक जानकारी की ओर आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दो चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों मैंने आप लोग को पिछली स्क्रीन पर बता दिया कि बड़ा ऑर्डर बुक आज ऑलरेडी देखने को मिला। तो उसके साथ साथ अगर आज का ऑर्डर बुक यहाँ पे देखा जाए, उससे पहले अगर कारोबार आज का देखा जाए उसमें 79,51,878 शेयरों का कारोबार आज के इंट्राडे 20 नजर आए। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी देखी जाए तो 69,21,524 शेयरों की जो बाइंग क्वांटिटी है वो आज देखने को मिली। उसी के साथ सेलिंग क्वांटिटी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 19,90,512 शेयरों की दोस्तों जो क्वांटिटी है वो सेलिंग पर यहाँ पे देखने को मिली। पर यहाँ पे सुधार यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी में यहाँ पे देखने को मिला। ऑलरेडी मार्केट कैप ऑलरेडी रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ आज की ट्रेड वैल्यू अगर देखी जाए तो 172.56 लाख की जो ट्रेड वैल्यू है वो आज के इंट्राडे के बीच दोस्तों नजर आई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी देखने को मिला। पर अगर देखा जाए तो आज इंडियन मार्केट में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, तो इस वजह से कभी कम तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोस्तों की, बट 200 रुपये से ज़्यादा के जो है शेयर यहाँ पे देखने को मिलता है तो दोस्तों उसमें गिरावट का जो असर है वो यहाँ पर नजर आ सकता है। इंपैक्ट कॉस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 1.08 की जो इंपैक्ट कॉस्ट है अभी के टाइम यहाँ पे नजर आ रही है। उसके साथ साथ आंतरिक जो फंडामेंटल की अगर बात करना चाहूँ तो उसमें जो सिक्योरिटी वीआर रहने वाला 31 का नजर आया, और यहाँ पे देखा जाए तो अप्लाई केबल मार्जिन रेट यहाँ पे 34.5 का नजर आया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो जो डिलीवरी आज देखने को मिली है वो 46.75% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने आज के इंट्राडे के बीच उठाई। पर उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन की अगर बात करना चाहूँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो देखने को मिलने वाली है उसमें कुछ भी कंपनी की तरफ से अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। लास्ट टाइम दोस्तों 13 अप्रैल 2023 को अपडेट यहाँ पे देखने को मिली थी, पर अब बोर्ड मीटिंग की अगर बात करना चाहूँ तो दोस्तों 23 फरवरी 2023 को यहाँ पे देखने को मिली थी। तो कंपनी की तरफ से अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही। कंपनी का दोस्तों जैसे ही डाटा यहाँ पे सामने आएगा दोस्तों वो आप लोग को बता दिया जाएगा। पर फिलहाल टाइम दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी किसी डाटा को रिवील करने के मोड में दिख नहीं रही। पर फिलहाल के टाइम अगर आज प्राइस इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ₹3.60 की 52 हाईएस्ट वीक की प्राइस यहाँ पर रहने वाली है, और 52 लो वीक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ₹1.85 फंडामेंटल के तौर पर देखने को मिलने वाली है। प्राइस इन्फॉर्मेशन ₹20 के आसपास देखने को
मिल रही है। फिलहाल के दोस्तों आपका क्या बेसिक फंडामेंटल और बेसिक नजरिया रह सकता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।